हेलो फ्रेंड्स, इलेवेंथ क्लास मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.6। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.5 तक कर लिया था। एक्सरसाइज 1.6 सबसे लास्ट है और इसमें कुछ है ही नहीं, बस एक फार्मूला आपको कर लेना है लर्न। नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट वाई। बस ये फार्मूला लर्न कर लो और कुछ भी नहीं है। इसमें भी लर्न क्या करना, नंबर ऑफ पहले यूनियन पहले, फिर बाद में इंटरसेक्शन, उसके बाद दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग लिख लेना है, ठीक है ना। इसमें पूरे एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, सब में वैल्यू दिया, बस वैल्यू को पुट करो इसमें, सॉल्व हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच डैट नंबर ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 17, नंबर ऑफ वाई कितना दिया हुआ है 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया 38, फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। फार्मूला पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूला के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना, फार्मूला जरूर लिखना है। फार्मूला पहले लिख लो क्या है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, ठीक है ना। अब सबका वैल्यू पुट कर दूं, कितना दिया हुआ एक्स यूनियन वाई का 38 लिख दिया, प्लस इंटरसेक्शन तो पूछ रहा है ना, तो इसको ऐसे ही लेने देंगे, जिसका वैल्यू पूछता है उसे हम सीधा जस का तस लिख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी एक्स और वाई कितने दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 17, वाई कितना दिया हुआ है 23, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, 23 और 17 कितना हो गया 40, और 38 प्लस है ना, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। बस इन दोनों को प्लस कर देना है, और जो ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना आ गया आंसर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच डैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है, जो जो दे रखा है उसका वैल्यू पहले पुट कर लो, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है 18 लिख लिया, ठीक है। फिर x हैज 8 एलिमेंट्स, x कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ x 8, ठीक है ना। y हैज 15 एलिमेंट, नंबर ऑफ y दे दो कितना है 15। पूछ रहा है x इंटरसेक्शन y, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या होगा, वैल्यू पुट करो। पहले फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है भाई। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूला में जो जो वैल्यू दिया हुआ हम उसे पुट कर देंगे। यूनियन दिया हुआ है दे दिया 18 प्लस, ये पूछ रहा है इसे जस का तस लिख लिया। नंबर ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 8, वाई कितना दिया हुआ है 15, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस करो कितना होगा 15 प्लस 8 23 प्लस है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो गया। नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो गया आंसर 5। ये हमारा सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखते हमारा क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, देखो जब भी बोलेगा जितने लोगों का ग्रुप दे रखा है यानी वो यूनियन है, क्या है यूनियन, ठीक है ना। ये यूनियन दिया हुआ है हमें, 200 पीपल कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितना बोल सकते हैं 250, इंग्लिश कितना बोल सकते हैं 200, ठीक है ना। तो पहले यूनियन लिख लेते किसका, हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी को नंबर ऑफ एस से दिखा सकते हैं और इंग्लिश को नंबर ऑफ ई से, तो पहले यूनियन का लिख लो H यूनियन E, यानी हिंदी और इंग्लिश कितना दिया हुआ है टोटल 400, ठीक है ना। क्योंकि जो भी ग्रुप रहेगा वो यूनियन होता है, और जहां बोथ लिखा होता है वो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे ये बोथ लिखा हुआ है यानी ये इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितना बोल सकते हैं नंबर ऑफ हिंदी 250, ठीक है ना। इंग्लिश कितना बोल सकते हैं 200, नंबर ऑफ इंग्लिश 200।
पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों कितना बोल सकते हैं। तो यार अभी मैंने आपको क्या बताया, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है, यानी हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है ना। फॉर्मूला पहले लिख लो, क्या होता है नंबर ऑफ एच, ठीक है ना, यूनियन ई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, अलग अलग दोनों कर लेंगे क्या हो, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई, ठीक है ना। सबका वैल्यू पुट कर दो, कितना ये 400 है, ये हमें पूछ रहा है ना इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई पूछ रहा है। इन दोनों का दे देते वैल्यू, कितना दिया हुआ है, हिंदी कितना है 250, इंग्लिश कितना है 200, ठीक है ना। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, हिंदी और इंग्लिश वाला निकाल लें, 250 200 कितना होता है 450, 400 इधर आ जाएगा ना, कितना आ गया 50, यानी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हमने निकाल लिया, कितना गया 50, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, एस और टी टू सेट से सच डैट एस हैज 21 एलिमेंट्स। मैंने जैसा बोला पहले क्या करते हैं दोनों को लिख लेते हैं, जो हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एस, यानी नंबर ऑफ एस कितना है 21, ठीक है ना, जो जो दिया हुआ पहले लिख लेना है। फिर टी 32 एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ टी कितना है 32, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है एस इंटरसेक्शन टी, यानी एस इंटरसेक्शन टी कितना है 11, जो दिया हुआ है बस वैल्यू पुट करते जाओ आंसर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, यूनियन, यानी नंबर ऑफ एस यूनियन टी ही पूछ रहा है ना। फॉर्मूला डालो, क्या होता है नंबर ऑफ एस यूनियन टी प्लस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी, ठीक है ना। और फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। यूनियन तो हमें फाइंड आउट करना है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे एस यूनियन टी। इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन 11 है, 11 कर दिया। एस कितना है 21, टी कितना है 32, ठीक है ना। सॉल्व करो, नंबर ऑफ एस यूनियन टी, 21 और 32 कितना होता है 53, ठीक है ना, और प्लस 11 इधर क्या हो जाएगा माइनस 11। नंबर ऑफ एस यूनियन टी कितना माइनस कर लो 42 आ गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, आराम आराम से करते जाओ सारा हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ फार्मूला पुट करो आंसर आएगा, फार्मूला का वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। देखो x एंड y आर टू सेट्स सच डैट x हैज 40 एलिमेंट्स, क्या बोला था मैंने, जो दिया हुआ है पहले लिख लो, यानी नंबर ऑफ x कितना है 40। देखो यार जब मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ या बेसिक बता देता हूँ तो आप खुद से क्वेश्चन ट्राई किया करो बनाकर, नहीं बनता फिर वीडियोज देखो आगे, ठीक है ना। देखो मिलाओ, आपको समझ में आया या नहीं, आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही है, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। देखो नंबर ऑफ एक्स कितना है 40, एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है 60, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना है 60 है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दे रखा है 10, यानी नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 10 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स y कितना होगा, फिर से फॉर्मूला लिखो आंसर आ जाएगा, क्या है नंबर ऑफ x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एलिमेंट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट y, यही है ना, ठीक है। वैल्यू पुट करो सबको, क्या क्या दिया हुआ है, यूनियन कितना है 60 प्लस 10, x कितना दिया हुआ है 40 प्लस नंबर ऑफ y, 60 प्लस 10 कितना हो गया 70, 40 प्लस है ना इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ y एलिमेंट्स, कितना हो गया 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ y एलिमेंट्स, यही तो हमसे पूछ रहा था ना, नंबर ऑफ y एलिमेंट्स निकल गया,
सिक्स क्वेश्चन देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, फिर से ग्रुप आया, ग्रुप का मतलब मैंने क्या बताया आपको, यूनियन होता है। 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, यानी पहले यूनियन लिख लो, कॉफी को किससे डिनोट करते हैं, सी से, टी को किससे करेंगे, टी से, तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी, कॉफी यूनियन टी कितना है, 70, ठीक है ना। 37 लाइक कॉफी, यानी नंबर ऑफ सी कितना है, 37, ठीक है ना। फिर कितना है नंबर ऑफ टी, ये कितना है, 52। बोल रहा है ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, हर एक पर्सन जितना है 70 पीपल में से, इसमें हर एक या तो कोई चाय पसंद करता है या कॉफी पसंद करता है, मतलब पसंद करता ही करता है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, यार मैं बार बार स्टार्टिंग से आपको क्या बोल रहा हूँ, बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन निकाल लो, एन सी इंटरसेक्शन टी कितना होगा, फिर फार्मूला पुट करो, फार्मूला पुट करो, वैल्यू डालो, आंसर आ गया क्या होगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, सी यूनियन टी क्या है, 70, ये तो पूछ रहा है ना हमसे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। नंबर ऑफ कॉफी कितना है, 37, नंबर ऑफ टी कितना है, 52, ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, उसको रखो, बाकी सबको प्लस माइनस कर लो, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 89, 70 प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। निकालो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, माइनस करो कितना आ गया, 19, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेवन्थ नंबर, देखो सेवन्थ नंबर में क्या, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, फिर से वही क्या, ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है ना। यानी क्रिकेट है और टेनिस है, क्रिकेट को किससे, सी से, टेनिस को किससे, टी से, है ना, तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना है टोटल, 65, ठीक है ना। बोल रहा है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ में क्या हम लिखते हैं, इंटरसेक्शन, है ना, बोथ में क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन लिखते हैं ना, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी क्रिकेट और टेनिस कितना है, 10 है, बहुत बढ़िया। 40 लाइक क्रिकेट दे रखा है, क्रिकेट कितने हैं, 40, यानी नंबर ऑफ क्रिकेट कितना हो गया, 40। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, देखो कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं, और हाउ मेनी लाइक टेनिस, देखो ये भी पूछ रहा है टेनिस कितने लोगों को पसंद है सिर्फ, और ये पूछा सिर्फ कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस ही पसंद है, क्रिकेट नहीं, तो यार पहले ऐसा करो टेनिस निकाल लो, इसका मैं इसके बाद कराता हूँ, यानी क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टेनिस, ठीक है ना, फॉर्मूला पुट करो, नंबर ऑफ सी यूनियन टी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है ना, क्रिकेट और टेनिस इज इक्वल टू में नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी, ठीक है ना। सी यूनियन टी कितना है, 65, ये कितना है, 10, नंबर ऑफ सी कितना है, 40, ये तो हमसे पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ टेनिस ये पूछ रहा है, 65 प्लस 10 कितना हो गया, 75, 40 प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस 40, यानी नंबर ऑफ टेनिस, नंबर ऑफ टेनिस कितना हो गया, 35, नंबर ऑफ टेनिस 35 आ गया। देखो ये तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ टेनिस जो पूछ रहा था हमसे, लेकिन पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ओनली टेनिस, तो क्या करना है इसमें, कुछ लोगों का लिख रखा है जो दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी पसंद करते हैं, तो जो टेनिस आया है उसमें से बोथ वाले को माइनस कर लेंगे तो सिर्फ टेनिस पसंद आएगा। सपोज आप 10 गाइस हो जिसमें आप लोगों को 10 लोगों को चाय कॉफ़ी पसंद है, ठीक है ना, और 5 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, तो टोटल में से 5 माइनस कर लेंगे, सिर्फ कॉफ़ी का निकल जाएगा, तो इसीलिए नंबर ऑफ टेनिस में से इसको माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 35 माइनस 10 आ गया 25, ये हमारा सेकंड का आंसर है।
ठीक है ना, ये नंबर ऑफ टेनिस का निकल गया, और ये हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ठीक है ना, ओनली टेनिस। ये हमने निकाल लिया। एट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, नंबर ऑफ फ्रेंच कितने भाई, 50, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंच कितने हो गए, 50 हो गए। 20 स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ स्पेनिश कितने हो गए, 20, ठीक है ना, फ्रेंच 50 और स्पेनिश 20। और 10 स्पीक बोथ, बोथ में क्या इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश कितना है, 10, ठीक है ना। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है, और एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है, ठीक है ना, एंड और बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। एटलीस्ट और का क्या मतलब होता है, यूनियन, और बोथ और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी हमसे पूछा है नंबर ऑफ एस यूनियन एफ, ठीक है ना, एटलीस्ट यानी यूनियन, ठीक है ना, निकाल लो नंबर ऑफ एस यूनियन एफ प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू मे नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस, सबका वैल्यू पुट करो, ये पूछ रहा है तो इसको जस का तस लिख लेंगे, नंबर ऑफ एस यूनियन एफ प्लस 10, एफ कितना है 50, एस कितना है 20, नंबर ऑफ एस यूनियन एफ इजिकल टू में 70, और प्लस 10 इधर क्या हो गया माइनस 10, यानी नंबर ऑफ एस यूनियन एफ इजिकल टू 60। गैस हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई होप सो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम मिसलेनियस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।